लहसुन का सेब बनाना बड़ा ही आसान है, न ही इसमें ज़्यादा समय लगता है और न ही कोई झंझट। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका स्वागत करता हूं MHR बिहार में। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसन का सेब। बेसन का सेब बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। तो मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। अब इसमें 2 चुटकी अजवाइन डालेंगे और कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा मिर्च पाउडर डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक। अगर आप अपने घरों के लिए बनाना चाहते हैं और 5 से 10 दिनों के लिए रखकर इसे खाना चाहते हैं तो इसमें आप 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए। इससे आपका जो सेब बनेगा वो करारा रहेगा। तो मैंने 1 चुटकी मीठा सोडा दिया है और 1 छोटा चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बेसन में पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि बेसन का जो हम डो तैयार करेंगे वो ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं। बिल्कुल आपको आलू का चोखा की तरह इस बेसन का डो तैयार करना है। तो चलिए, हमारा बेसन का डो तैयार हो गया है। अब हम कुछ इस तरह जालीदार सेब छानने वाला सांचा में सेब छानेंगे। अगर आपके पास दूसरा सांचा है तो आप उसमें तल लीजिए। अगर आपके पास सेब छानने वाला सांचा नहीं भी है तो आप पूड़ी छानने वाला छन्नी से भी आप सेब को तल सकते हैं। तो मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर तेल गर्म होने को दे रखा था। तेल को मीडियम गर्म करके ही बेसन का सेब तल लीजिएगा, नहीं तो आपका कढ़ाई में तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो सेब जल जाएगा और खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए, हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। अब कढ़ाई के ऊपर रखेंगे सेब तलने वाला सांचा और बीच में बेसन का थोड़ा सा डो लेकर कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए सेब को तल लेंगे। जब सेब थोड़ा पक जाए, करारा हो जाए, तब आप उसे बाहर निकाल लीजिए। आपका सेब का भजिया तैयार होता जाएगा। आप एक बार इस बेसन का सेब ज़रूर बना के देखिए, आप दुकान का सेब खाना भूल जाएंगे और आप इस सेब का भजिया घर में ही बड़े आसानी से बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे साथ बने रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।